हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमीर। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का कहना है, यदि आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपका प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए, आपके पास वोकैब्स होने चाहिए, आपको बोलने की स्पीड आनी चाहिए, और जो फोर्थ नंबर पर है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। यदि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए, 6 मंथ्स में आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट होने वाली है, क्योंकि इसी तरीके से आर्मी के लोगों को और एक्टर्स को 6 महीने में ही इंग्लिश सिखाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, काबिल मूवीज़ के 12 पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए, दिस इज पार्ट 13। यहाँ पर पुलिस वाले एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं ऋतिक रोशन के पास, जिन्होंने वसीम नाम के लड़के का मर्डर कर दिया है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि मर्डर किसने किया। तो पुलिस वाले यहाँ पर जांच में आए और बोल रहे हैं, तुम कल रात घर पर थे, यू वर एट होम लास्ट नाइट, कोई गवाह है जो यह कह सके, इज देयर अ विटनेस दैट कैन से, ये किस प्रकार का सवाल है सर, वॉट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट सर, ये किस प्रकार का सवाल है, क्या लोग अपने पास गवाह रखते हैं सोने जाने से पहले, डू पीपल कीप विटनेस नेक्स्ट टू देम बिफोर गोइंग टू स्लीप, लेकिन यह आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर, बट वाई आर यू आस्किंग मी दिस सर, क्योंकि कल रात वसीम मारा गया, बिकॉज लास्ट नाइट वसीम गॉट किल्ड, और आपको लगता है मैंने किया, एंड यू थिंक आई डिड इट, और आपको लगता है कि मैंने किया, मुझे ऐसा नहीं लगता था, आई डिडंट थिंक अबाउट इट, यानी कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं आज तुम्हें उसकी मिट्टी में देखा, बट वेन आई सॉ यू एट हिज फ्यूनरल टुडे, मैं दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो गया, आई वॉज फोर्स टू रीथिंक, तब मुझे तुम्हारा चैलेंज याद आया, देन आई रिमेम्बर्ड योर चैलेंज, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्या तुम भूल गए, डिड यू फॉरगेट, सर मैंने वह गुस्से में कहा था, सर आई सेड दैट इन एंगर, और यही नहीं, मैं वसीम को क्यों मारूंगा, मोर ओवर यही नहीं, वाई वुड आई किल वसीम, क्योंकि उसने तुम्हारी बीवी का रेप किया था, बिकॉज ही रेप्ड योर वाइफ, लेकिन आपने कहा कि इसका कोई प्रूफ नहीं था, बट यू सेड देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ इट, तो फिर तुम्हारी वाइफ ने सुसाइड क्यों की, यहाँ पुलिस वाले पूछ रहे हैं, देन वाई डिड योर वाइफ कमिट सुसाइड, वसीम का मर्डर या मेरी वाइफ का सुसाइड, यहाँ पर ऋतिक रोशन बोल रहे हैं, आप क्या सॉल्व करने आए हैं, वसीम्स मर्डर और माई वाइफ सुसाइड, आप यहाँ क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वॉट आर यू हियर टू इन्वेस्टिगेट, एक आंख के लिए एक आंख, पुलिस वाले बोल रहे हैं, एन आई फॉर एन आई, सारी दुनिया को अंधा बना देती है, मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यहाँ पर मिस्टर भटनागर, यानी कि ऋतिक रोशन नाम मिस्टर भटनागर है, अगर सभी लोग अंधे हैं पुलिस की जरूरत नहीं होगी, ऋतिक रोशन बोल रहे हैं, इफ एवरीवन्स ब्लाइंड द पुलिस वॉन्ट बी नीडेड, क्या आपने कभी किसी अंधे आदमी को गिरफ्तार किया है, हैव यू एवर अरेस्टेड अ ब्लाइंड मैन रेप या मर्डर के चार्ज में, अंडर चार्जेस ऑफ रेप और मर्डर, वसीम के कंधे पर अमित का रुमाल रखकर तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, यहाँ पर ऋतिक रोशन से बोल रहे हैं, बाय प्लेसिंग अमित्स हैंड करचीफ ऑन वसीम शोल्डर यू ट्राई टू मिसलीड द पुलिस बाय प्लेसिंग अमित्स हैंड करचीफ ऑन वसीम शोल्डर यू ट्राई टू मिसलीड द पुलिस लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, बट द वे अहेड विल नॉट बी ईजी, मैं जानता हूँ कि अब अमित, यानी कि अब अमित का नंबर है, आई नो दैट नाउ अमित, यहाँ पर ऋतिक रोशन बोल रहे हैं, यह जल जाएगा सर, इट विल बर्न सर, मेरा पकवान, माई डिश का हिंदी होता है पकवान, माई डिश सर, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, यह जल जाएगा, प्लीज़ लेट गो ऑफ माई हैंड, इट विल बर्न, मुझे किसी अंधे आदमी पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगेगा, इट वुडंट बी राइट टू यूज़ थर्ड डिग्री ऑन ए ब्लाइंड मैन, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, बट इफ़ नीड बी आई वॉन्ट स्टेप बैक, अगली बार हम तुम्हारे किचन में नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट नॉट इन योर किचन
नेक्स्ट टाइम वी विल मीट नॉट इन योर किचन बल्कि हमारे इंटरोगेशन रूम में, याद रखना, बट इन आवर इंटरोगेशन रूम, याद रखना, रिमेंबर दैट, बट इन आवर इंटरोगेशन रूम, रिमेंबर दैट, केवल अगर आपको मेरे खिलाफ सबूत मिलता है, ऋतिक रोशन बोल रहे हैं, ओनली इफ यू फाइंड एविडेंस अगेंस्ट मी, ओनली इफ यू फाइंड एविडेंस अगेंस्ट मी, आपने मुझे बुलाया सर, यू कॉल्ड फॉर मी सर, यू कॉल्ड फॉर मी सर, क्या तुम्हें अमित और वसीम का कॉल रिकॉर्ड मिला, हैव यू गॉट अमित एंड वसीम्स कॉल रिकॉर्ड्स, हैव यू गॉट अमित एंड वसीम्स कॉल रिकॉर्ड्स, वह कल तक तैयार हो जाएगा सर, दे विल बी रेडी बाय टुमारो, दे विल बी रेडी बाय टुमारो, क्या तुमने शकील का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, डिड यू रिकॉर्ड शकील स्टेटमेंट, डिड यू रिकॉर्ड शकील स्टेटमेंट, यस सर, जी सर, वह अमित पर बहुत गुस्सा है, ही इज़ फ्यूरियस ऑन अमित, ही इज़ फ्यूरियस ऑन अमित, उसने कहा वह अपने बेटे की मौत का बदला जल्दी लेगा, ही सैड ही विल अवेंज हिज सन्स डेथ सून, ही सैड ही विल अवेंज हिज सन्स डेथ सून, अमित बुरे दौर से गुजर रहा है सर, अमित इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, अमित इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, यह मैं हूँ नालावड़े, यहाँ पर पुलिस वाला अमित को फ़ोन करा, बोल रहा है इट्स मी नालावड़े, इट्स मी नालावड़े, हाँ बताओ मुझे, यस टेल मी, यस टेल मी, क्या तू पुणे में है, आर यू इन पुणे, आर यू इन पुणे, हाँ और कहाँ होऊंगा मैं, यस वेयर एल्स वुड आई बी, यस वेयर एल्स वुड आई बी, और कहाँ होऊंगा मैं, हम लोग ऐसे नॉर्मल बोलते हैं, हम कहाँ होंगे और, वेयर एल्स वुड आई बी, तेरा रुमाल वसीम के शरीर पर मिला है, योर हैंडकरचीफ वॉज फाउंड ऑन वसीम्स बॉडी, योर हैंडकरचीफ वॉज फाउंड ऑन वसीम्स बॉडी, क्या तुम सब पागल हो, आर यू ऑल क्रेजी, आर यू ऑल क्रेजी, मैंने वसीम को नहीं मारा, आई डिडेंट किल वसीम, आई डिडेंट किल वसीम, मैं जानता हूँ ये, आई नो दैट, आई नो दैट, और मैं ये भी जानता हूँ किसने मारा उसे, एंड आई नो हु किल्ड हिम, एंड आई नो हु किल्ड हिम, तू अगला है, यहाँ पर पुलिस वाले की आवाज़ में ऋतिक रोशन बोल रहे हैं, तू अगला है, यू आर नेक्स्ट, यू आर नेक्स्ट, बता मुझे कौन है वो, टेल मी हु इट इज़, टेल मी हु इट इज़, वह अगला होगा, यानी कि अगर तूने मुझे बता दिया तो उसको मैं मार दूंगा, वो अगला होगा, ही विल बी नेक्स्ट, वह अगला होगा, ही विल बी नेक्स्ट, तो पुलिस वाला बोल रहा है, यानी कि ऋतिक रोशन फ़ोन पर नहीं, नॉट ऑन द फोन, नॉट ऑन द फोन, यहाँ आ और मुझसे मिल, कम हीयर एंड मीट मी, कम हीयर एंड मीट मी, मुझे उम्मीद है तू जानता है तुझे कहाँ आना है, आई होप यू नो वेयर यू हैड टू कम, आई होप यू नो वेयर यू हैड टू कम, मैं केवल तभी जानूंगा जब तू बताएगा, आई विल नो ओनली इफ़ यू टेल मी, आई विल नो ओनली इफ़ यू टेल मी, वहीं वेयर हाउस जहाँ तूने उस अंधी औरत को रखा था, द वेयर हाउस वेयर यू केप्ट दैट ब्लाइंड वूमेन, द वेयर हाउस वेयर यू केप्ट दैट ब्लाइंड वूमेन, उसी वेयर हाउस में क्यों, इन दैट वेयर हाउस, इन दैट वेयर हाउस, वाई, क्यों, आखिर उसी वेयर हाउस में तू मुझे क्यों बुला रहा है, हाँ वहीं पर, यस राइट देयर, यस राइट देयर, नेक्स्ट है, सुन मैं वहाँ किसी को नहीं चाहता, यानी कि मैं चाहता हूँ दोनों अकेले रहें, लिसन आई वॉन्ट नो बडी देयर, आई वॉन्ट नो बडी देयर, हमें सीक्रेटली मिलना है, वी हैव टू मीट सीक्रेटली, वी हैव टू मीट सीक्रेटली, हमें सीक्रेटली मिलना है, यहाँ पर अमित आ जाते हैं ऋतिक रोशन से मिलने और देखते हैं ये नालावड़े यानी पुलिस वाला नहीं है तो रोहन है, तो बोल रहे हैं तूने नालावड़े की आवाज़ में कैसे बात की, हाउ डिड यू टॉक इन नालावड़ेज वॉइस, हाउ डिड यू टॉक इन नालावड़ेज वॉइस, तू तो बहुत टैलेंटेड है रोहन, यू आर वेरी टैलेंटेड गाय रोहन, यू आर अ वेरी टैलेंटेड गाय रोहन, तेरा प्लान तो जोरदार था, योर प्लान वॉज माइंड ब्लोइंग, योर प्लान वॉज माइंड ब्लोइंग, तो फ्रेंड्स ये थे काबिल मूवीज़ के कुछ आगे के सेंटेंसेस, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंटेंसेस लेकर आऊँगा, तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें, मैं आपको भी कहता हूँ मेरे हर एक वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार जरूर देखें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को 4 से 5 बार देख लेते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूलते।